जेंटलेस, कैसे आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। गाइस यहाँ पर मैं अपने TS12 से अकाउंट पे हूँ और अटैक करने वाला हूँ सुपर विचेस अटैक के साथ। और ये आर्मी हम लोग यूज करेंगे वार में, तो चलते हैं हम लोग अटैक की तरफ। नहीं, मल्टीप्लेयर बैटल है, ओके कोई ना। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो हमने 5 सुपर विचेस, 4 हीलर एंड स्पेल कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो हमने लिए। हालांकि यहाँ पर 5 फ्रीज है, लेना 4 था, बट कोई ना। बेस लेआउट देख सकते हो, स्प्रेड बेस लेआउट है। हमने दो दो विचेस साइड पे ड्रॉप करी, एक सेंटर में ड्रॉप करी एंड सेंटर की तरफ किंग, पीछे से वॉल ब्रेकर सीज मशीन जिसे बोलते हैं, एंड अपनी क्वीन ड्रॉप कर दी है। और अपना आ जाएगा सेंटर में वार्डन, क्लीनर ट्रूप जो है उनको भी हमने साइड में डिप्लॉय कर दिया, एंड अपनी सीज मशीन मूव कर रही है और कोर की तरफ सेंटर में एकदम सीसी से आ चुका है इलेक्ट्रोड्रैगन, पॉइजन ड्रॉप करी, हालांकि पहले ही ड्रॉप कर दिए। यहाँ पे गाइस अपनी सीज मशीन फट चुकी, यटी बाहर आए और रेज हमने ड्रॉप करी जिससे कि ये टीएस टेक डाउन कर पाए, बट यहाँ पे टर्नेडो ड्रॉप्स ने प्रॉब्लम कर दी है, अपना यटी नहीं निकाल पाए टीएच, अभी सिंगल पे ही फंस गए और ये अपने यटी खत्म हो चुकी। यहाँ पर हमने बैड स्पेल का डिप्लॉयमेंट कर दिया है, बट यहाँ पर टीएच नहीं निकला इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई ना, वेट करेंगे। अपना किंग है और क्वीन की फुल एबिलिटी है, हिलर्स भी हैं बहुत सारी और यहाँ पर विचेस भी हैं। यहाँ पर किंग की एबिलिटी ख़त्म है, बट बचाना पड़ेगा, वेट करते हैं। अभी नहीं फ्रीज करेंगे, अपने पास दो ही फ्रीज स्पेल बची हैं। हिलर्स को पकड़ लिया है सिंगल इन्फर्नो ने, क्वीन जा चुकी बाहर की साइड पे। यहाँ पर 3 सुपर विचेस हैं अपने, और यहाँ पे देखना होगा अपनी विच को पकड़ लिया, फ्रीज करना पड़ जाएगा क्योंकि सुपर विच को हमें बचाना पड़ा। अभी अपने पास एक फ्रीज है और अपनी क्वीन बाहर की साइड से आ रही है, यहाँ बीच अगेन फ्रीज करना पड़ जाएगा क्योंकि सिंगल ने पकड़ रखा है, एक बीच को ख़त्म किया, एंड वेट करेंगे देखते हैं। तो अभी फ्रीज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर अपनी बीच इन साइड आ चुकी है और टी एच पी लॉक थी, तो यहाँ पर क्वीन भी आ चुकी है बैकअप देने के लिए। और ये हो चुका है 2 स्टार, एंड ये हो चुका है काफ़ी मशक्कत करने के बाद परफेक्ट 3 स्टार हो जाएगा। इसी तरीके लास्ट में स्केल्टन आ चुके हैं, एंड ये हाइड एंड टिस्ला ये भी निकल गया, एंड ये 28 ट्रॉफीज के साथ। गाइस ये अटैक होने वाला है अपना CWL का अटैक था, यहाँ पर सुपर विचेस एंड यहाँ पर 7 अपने पास बैड स्पेल है और 5 सुपर विचेस से हम आर्मी है वही लगभग, बस थोड़ा हमने पॉइजन स्पेल नहीं लिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा अटैक की तरफ, और बेसली आउट भी देख लो काफ़ी स्प्रेड एंड साइड में ऊपर की साइड पे टीएच, सेंटर में ईगल एंड ऊपर की साइड पे हीरो, कैस काफ़ी तगड़ा बेस लेआउट है। एंड यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अटैक अपना, 2 विचेस ड्रॉप करेंगे, पीछे से 2 हीलर्स लगा देंगे, एंड राइट साइड भी हम लोग यही करने वाले हैं, 2 विचेस 2 हीलर्स एंड सेंटर में किंग, वॉल ब्रेकर ड्रॉप करिए सीज मशीन, एंड यहाँ पर वार्डन किंग डिप्लॉय कर दिया, पीछे से विजार्ड, एंड कैसे यहाँ पर देख सकते हो अपने हीरो भी बाहर की साइड पे जा रहे हैं, बट अभी जाएंगे अंदर, अपनी वॉल ब्रेकर अंदर की साइड पे जा रही है, वेट करेंगे। हालांकि क्वीन ही जा रहे हैं अंदर साइड, वार्डन एंड किंग बाहर की साइड पे भाग चुके, अपने यटी बाहर आ चुके। यहाँ पर लगता है रेज ड्रॉ करना पड़ जाएगा, ईगल डाउन हो जाएगा, किंग की एबिलिटी पॉप करनी पड़ेगी, एंड अपनी क्वीन पहुँच चुकी है सेंटर की तरफ। यहाँ पर सिंगल ने पकड़ लिया क्वीन को, क्वीन की एबिलिटी जा चुकी है, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स बाहर की साइड आया है अपोनेंट की सी से, वहाँ पर हमने फ्रीज किया उसको। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने बैड स्पेल का डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया, 3 ही फ्रीज है अपने पास, ऊपर की साइड पे टाउन हॉल है, किंग है, कोई नए और हेड एंड टेस्लाज भी हैं। तो हम लोग तो टारगेट रहेगा कि टाउन हॉल को फ्रीज किया जाए और अपोनेंट की क्वीन को भी फ्रीज किया जाए, एंड यहाँ पर 2 फ्रिज यूज हो चुकी है, एक ही फ्रिज बची, अगेन एक फ्रिज कर दिया हमने, एंड गाइस देख सकते हो टी एच निकल चुका है परफेक्ट, और ये बचे ऊपर के 2 हीरो एंड क्वीन गई एंड किंग भी गया, एंड ये हो चुका है परफेक्ट 3 स्टार बेस। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर